between infinity and 2F1 के बीच अगला स्टॉपेज कहाँ था? 2F2 2F1 पे थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा गाड़ी F1 2F1 के बीच कहाँ पे आएगी? 2F1 और F1 के बीच क्या कोई दिक्कत? नो सर। स्टॉपेज आ गया है, कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। दो केसेस हमने आपको बताए थे, एक सी और कहां से पैरेलल डालोगे, कहां से जाएगा F2 से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से डालो, सी निकल जाएगा, बोलो हां या ना, पक्का? अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो आपकी ऑब्जेक्ट 2F2 के पीछे का इमेज कहां बन रहा? 2F2 और इंफिनिटी के बीच में। अब की बार देखो कौन क्यों मिरर की केस में जैसे जैसे आप उसके पास आते गए वो आपसे दूर जाती गई, कौन? इमेज। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा है, आप पास आ रहे हो वो भी दूर जा रही है, इमेज। आप पास आ रहे हो इमेज दूर जा रही है, इमेज। समझ में आ गई बात? लेकिन इस केस में क्या क्या होंगे जरा देखो, बियॉन्ड 2F2, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहो क्या, 2F2 एंड इंफिनिटी, 2F2 एंड इंफिनिटी। सेकेंड केस कीप, सेकेंड केस कीप कीप, सेकेंड केस क्या बोलो जल्दी से, सेकेंड केस क्या? रियल। सेकेंड केस क्या? रियल। सेकेंड केस क्या? रियल। अगली चीज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा रेडियस वो आएगा माइनस में, माइनस में आने का मतलब वही उल्टी उल्टा, और उसके बाद एक से बड़ा, पहला केस है जब एक से बड़ा आ रहा है, तब जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 और F1 के बीच। क्लियर? नेक्स्ट चलें। यस सर। पक्का?